Good afternoon to all. In this video lecture, we are going to talk about the mock tests of Uttarakhand LT English. So let's get started. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड LT English की मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में. तो एग्जाम की डेट तो आप लोगों को पता चली गई होगी क्योंकि हमने वीडियोज बनाई थी, उसमें लेटर भी आपके साथ शेयर किया हुआ था. तो उस लेटर के जरिए ज़्यादा अब इस बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत से साथी कह रहे हैं कि डेट आगे बढ़नी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि हम प्रोसेस पे हमें पहले दिन से ही, जब मैंने पहली वीडियो यहाँ पे उत्तराखंड एलटी के सिलेबस से रिलेटेड बनाई थी तो उसमें कहा था कि हमें प्रोसेस पे ध्यान देना है ना कि रिजल्ट पे. हमारी अगर प्रोसेस अच्छी रहेगी तो रिजल्ट डेफिनेटली हम प्राप्त करेंगे, जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर हमें प्राप्त होंगे. तो इसी संबंध में हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में. तो इससे पहले अगर बात करें सिलेबस के बारे में, सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिया है, लगभग कंप्लीट करा दिया है. लगभग वर्ड भी यहाँ पे सही नहीं रहेगा क्योंकि आप प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे तो आप वहाँ पे पाएंगे कि हमने जो है उत्तराखंड एलटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया है. यूनिक नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं आपको, हर एक टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर रखे हैं. उसके बाद कुछ हद तक यहाँ पे 6 से 7 मॉक टेस्ट भी वहाँ पे कराए गए हैं, ठीक है. उनमें भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो ऑप्शंस हैं उनके ऑप्शंस को भी कंपेयर करके बताया गया है. अगर आपने अभी तक वॉच नहीं की है वो सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज, तो आप उसको वॉच कीजिए. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में जो है हमारे द्वारा एक और जो है यहाँ पर बेहतरीन सीरीज यहाँ पर दी जाएगी आप लोगों को. अन्य एग्जाम के संबंध में भी अगर बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं लगभग 10,000 के आसपास जो है एमसीक्यूज हमारे द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं. लिटरेचर की बात करें तो ग्रामर में तो इससे पहले ऑफलाइन में ग्रामर और स्पोकन से रिलेटेड तो यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यू हम प्रोवाइड करते हैं. लिटरेचर के संबंध में अगर बात करें तो लिटरेचर से रिलेटेड आपने वीडियोज वॉच कर ही ली होंगी, आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम प्रिपरेशन कराते हैं. अब रही बात मॉक टेस्ट की, जो साथी अभी भी असमंजस में हैं या अभी तक मॉक टेस्ट नहीं ले पाए हैं उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला. और जिन लोगों का सिलेक्शन रुकता है, सिलेक्शन 0.25 या 1 नंबर के अंतर से ही रुकता है, ज़्यादा आप इसमें डिफ्रेंस नहीं देखेंगे. और अगर जिनका इससे ज़्यादा अंतर से रुकता है तो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से या 2-3 नंबर से रुकता है तो वेटिंग में आने के चांसेज होते हैं. लेकिन इतना भी अगर नहीं कह सकते कि 2-3 नंबर से अगर किसी का रुक रहा है तो वेटिंग में भी उसके चांसेस हों. तो किसी भी प्रकार का आपको रिस्क नहीं लेना है लास्ट टाइम में. और जो ये मॉक टेस्ट हैं आपको इतने कम उसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि एक बच्चे की ट्यूशन फीस भी इतनी नहीं होती आज के डेट में, ट्यूशन फीस भी इससे ज़्यादा ही होती है. तो और इसके साथ साथ क्वेश्चंस का लेवल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा. बात करें यूट्यूब पे भी जो हमने मॉक टेस्ट कराए थे, इसके साथ साथ अन्य साथियों से भी आप फीडबैक ले सकते हैं. और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई आपको कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं तो वो भी वहाँ पे क्लियर किए जाएंगे. पर्सनली आप हमें जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर ग्रुप के माध्यम से भी आप जो है वहाँ पे अपनी जो है जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं. अन्य साथी भी आपकी हेल्प करेंगे वहाँ पर क्योंकि ग्रुप ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड अलग अलग ग्रुप हमने बना रखे हैं. तो उन ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं. 1 सप्ताह का समय बचा है, फिर ये जो है मौका कब आएगा अब लगा के चलिए कि 2021 में, 2020 में लगभग एलटी के फॉर्म आए थे, 4-5 साल का अंतर जाता है यानी कि अगली बार फॉर्म आने तक बहुत देर हो जाएगी. जैसे बहुत साथी जो हैं ओवर एज हो चुके हैं जो अभी डेट को बढ़ाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो फिर अगर आप इतना रिस्क लेना चाहते हैं तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन मैं फिर से कहूँगा अगर आप प्लेलिस्ट वॉच कर ली हमारी, उसकी बेशक आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा लीजिएगा, अदरवाइज जो स्पीड हमारी रहती है वो वैसे ही आप 1.2 या 1. जो आपके 5 की स्पीड रहती है उससे भी ज़्यादा की स्पीड से हम कराने की कोशिश करते हैं. कोई फालतू की वहाँ पे बातें नहीं की जाती हैं. हाँ, हो सकता है आपको एक टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पर 10 से 12 कंपेयर ज़रूर कराए जाते हैं. तो इसीलिए मैं पहले दिन से ही कहता हूँ उन साथियों से जो रैंडमली सीधे सीधे एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आते हैं या एक उसी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आते हैं, तो उनके लिए ये चैनल नहीं बना हुआ है. क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है तो आपको कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन से जो है आप उसमें बाजी नहीं मार सकते. आपका अगर उस सब्जेक्ट का नॉलेज उस सब्जेक्ट में आपका बेस नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आने वाली है. और पार्ट 1 से रिलेटेड मैं इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि पार्ट 1 से रिलेटेड हमने
जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो तो बनाए हैं, लेकिन वो यूट्यूब के पर्पज से बनाए हैं, उनकी आंसर्स की जो है हमने प्रिपेयर नहीं कर रखे हैं, तो इसलिए वो हमने 100 रुपीज में भी यहाँ पे प्रोवाइड किए, जो कि एक नॉमिनल सा टाइपिंग चार्ज हमने रखा हुआ था। ठीक, इसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आपका भाई आपके साथ है, आप ज़रूर जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, एक बार फिर से यहाँ पे हम शेयर करना चाहेंगे, 9548708265 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हों तो। आज ही, अब आज या कल में जो है मॉक टेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपके पास इतना समय नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार करने से, एक बार उन मॉक टेस्ट लगाने से नहीं होगा, 2-3 बार अगर आप एग्ज़ाम से पहले उन मॉक टेस्ट को लगा के जाते हैं तो डेफिनेटली आप 35+ स्कोर गेन करेंगे। ऐसा जो है मुझे भी आशा है, जो मैं उन मॉक टेस्ट को प्रिपेयर कर रहा था तो उनका जो लेवल है वो LT के लेवल को ध्यान में रखते हुए ही हमने उनको बनाया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।